5% रेलवे इलेक्ट्रिक पे चलता है, बिजली से चलता है। हमारे यहाँ वही पटरियाँ, वही निज़ाम, वही ट्रेनें। अंग्रेज़ अगर ये हमारे यहाँ नहीं करता तो शायद आज हमारे मुल्क में हम ये भी नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंबर रिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया रिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मॉडल अली शानू। मॉडल, यस ऑफ कोर्स। मानो ना मानो, मेरा ईमान पक्का है। बोलो आप लोग, मानो ना मानो, मेरा ईमान पक्का है, मैं बन के दिखाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, कुछ कर दिखाएंगे। नहीं, बहुत जल्द इंशाल्लाह। हां जी, बहुत जल्दी मीडिया पे छाई भी होंगी भाई। अल्लाह ताला चाहेगा, फ्यूचर की मॉडल। अल्लाह ताला चाहेगा ये मॉडल बने इंशाल्लाह। फिर कैरियर। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज पाक मीडिया शॉक। ट्रेन इन कश्मीर। दिस इज नेवर अ गुड आइडिया। ओह माय गॉश। ओह, room for luggage. This is like a whole okay, thing. Take this. Put it somewhere. Let me put it up. Look at this. Wow, look at this. Okay. Oh, this is really cool. This is so cool. So look up. There's glass roofs all the way through. 36 and 35. भाई विशाल, तुम कोचेज की बात करें तो मुझे तो वैसे वाकई में इस तरह की जो कोचेज है ना, वो पहाड़ी इलाकों के लिए या ऐसे जो बहुत सीनिक व्यूज होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मेरी विश ये है कि यहाँ पे भी जो है इस तरह की कोचेज होनी चाहिए। I love that. Why don't we have that in all seats? This just takes train journeys to another level. This is lovely. Oh my gosh, and the scenery is also. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द विस्टा डोम ट्रेन, इट इज एक्सट्रीमली स्पेशियस। स्पेशियस इन द सेंस ऑफ द सीट्स आर वेरी स्पेशियस, द लेग स्पेस इज वेरी स्पेशियस, देयर आर पावर आउटलेट्स व्हिच इज अमेजिंग, एंड इट्स आल्सो वेरी लाइट एंड एयरी। आई हैव टू से देयर आर अनाउंसमेंट। पैसा वसूल कोच है बिल्कुल, और 700 रुपए मुझे तो बिल्कुल ज्यादा नहीं लगी, क्योंकि इतना अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा, इतनी कम्फर्टेबल सीट्स, और खाना यार 50 रुपए का, मतलब वो भी मैं कहूंगी कि बहुत ही रीजन। पाकिस्तान में देखे आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तानियों की। So, so good. And I can't believe the views from here are going to be absolutely amazing. I'm excited to see what we have. We have got not only 360 degree views out of the window, we have giant seats with little footrest. That's good. Not too bad. These we have. And that. And then you can actually no, they, I don't know if you can. I thought maybe you could see through from the roof. So the windows themselves are just so. They're massive. So I'll show you. Look, I will show you. So you come down, and all the way along, you've got these massive. क्या हमारा कश्मीर इतना डेवलप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. इसका क्या रीजन है? हमारा कश्मीर इतना पीछे क्यों है? और बाकी जो है लोकल कोच रहता है, लोकल कश्मीरी लोग उसी में ज्यादातर सफर करते हैं। ये टूरिस्ट के लिए स्पेशल रखी है, तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले देखो ओपन करने के लिए ये है, पुश किया बटन को तो डोर्स हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करते ही आपको मिलता है लगेज रखने के लिए स्पेस। 9:25 पे निकली है हमारी ट्रेन श्रीनगर रेलवे स्टेशन से। बाय बाय श्रीनगर। देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमारा विस्टा डोम कोच का फर्स्ट लुक। इतना खूबसूरत यहाँ पे चेयर्स है, चेयर्स का कलर और चेयर्स इतनी खूबसूरत, और इतने बिग साइज के बिग ग्लासेस जहाँ से आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो स्नोफॉल नहीं है, वैसे स्नोफॉल होती तो और ज्यादा मजा आने वाला था इस ट्रेन जर्नी में। होपफुली हमें कहीं तो स्नो मिलेगी। सामने अगर आप देख सकते हो उधर हाईवे भी है, कश्मीरी घर, और दूसरी तरफ NH 44 हाईवे जहाँ व्हीकल चलते हुए भी नजर आएंगे। पंपोर यहाँ पे अभी स्किप किया है ट्रेन ने। इस ट्रेन का होल्ड जो है वो नेक्स्ट इस आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा।
स्क्रीन पे शो होता है नेक्स्ट कौन सा स्टेशन आने वाला है। पंपोर स्टेशन को इस ट्रेन ने स्किप कर दिया है। पंपोर के आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको केसर की खेती देखने को मिलती है, जिस चीज के लिए पॉपुलर भी है। विस्टाडोम कोच में एंट्री करते ही क्या गजब का इंटीरियर देखने को मिलता है। ब्लू कलर की इतनी प्यारी सी चेयर्स, और यहाँ पे अगर देखोगे तो लेग स्पेस बहुत ज्यादा है पूरा, आप आराम से तब बैठ सकते हो रिलैक्स होके। सीट का पुश बैक, यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप अपनी सीट को काफी पीछे तक उसे पुश बैक कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है। 90 किलोमीटर की ये जर्नी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाली है। आई थिंक यू विल मोर एंजॉय द विस्टाज ऑफ सीनिक जर्नी। विंडो शेड्स को अगर आप रिमूव करते हैं, हटाते हैं, विंडो शेड्स को हटा भी सकते हैं और बाहर के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है काकपुरा। साथ में इधर आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट भी दिए हैं जहां आप अपना मोबाइल और चार्जर ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। चेयर जो है वो 360 डिग्री रोटेटेबल है, तो देखो आराम से इसे आप घूमते फिरते पूरे व्यूज को एंजॉय कर सकते हो। जैसे इस ट्रेन जर्नी का पहला हॉल्ट अवंतीपुरा आ चुका है। अवंतीपुरा में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चेक करें ऊपर, ये देखें ऊपर भी मिरर है, साइडों पे भी मिरर है, हर जगह मिरर। इतनी लग्जरी बनाई है उन्होंने ट्रेन ये कश्मीर के लिए। क्या हमारा कश्मीर इतना डेवलप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या रीज़न है, हमारा कश्मीर इतना पीछे क्यों है? यार इसका रीज़न है, वहाँ पे एक तो गुलामी हो रही है, आज़ाद कंट्री नहीं है वो कश्मीर। हाँ जी, आप देखें इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है वो कितना डेवलप हो रहा है। उधर मेट्रो बन रही है, उधर ट्रेन आ रही है, उधर मॉल्स बन रहे हैं, हर जगह की तरक्की हो रही है। हमारे कश्मीर में आप जाएं सिर्फ दुकानें ही मिलेंगी छोटी छोटी, वो भी कोई भी इसे तरक्की आती काम गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक तरक्की हो रही है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है। मुझे ये बता दें इंडिया की, इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है अपने कश्मीर के ऊपर, हम कह रहे हैं कि कश्मीर हमें दो हम ये करेंगे, हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको नहीं बना रहे। यार उसको बनाना बहुत मुश्किल है, इंडिया के पास एटॉमिक पावर भी बहुत ज़्यादा है, उनसे जंग जीतना बहुत मुश्किल है इंडिया से। सर देखें इंडिया जंग की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपका दिमाग इस तरह का बना हुआ है, आप जंग की तरफ ही लेके जा रहे हो बात को, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बात मैं ये कर रहा हूँ कश्मीर इंडिया के पास जो जम्मू कश्मीर है, हमसे तकरीबन 80% ज़्यादा कश्मीर उनके पास है, वो इतना डेवलप कर रहा है कश्मीर को। हमारे पास जो 20% कश्मीर है वो 20% भी हम सही नहीं बना रहे। सर हुक्मरान हमारे ऐसे हैं ना, वो सही सपोर्ट नहीं कर रहे कश्मीर को, उसकी वजह ये। लेकिन लगता नहीं है ये इंडिया ने उधर बना दी है, क्योंकि सर अब अगर हम देखा जाए तो इंडिया के इस टाइम कश्मीर के ऊपर जो कर रहे हैं ना सर, इस टाइम मेट्रो चल रही है हमारे कश्मीर में आजाद में? नहीं नहीं चलती, नहीं चलती। उसके बाद मॉल्स बने हुए कश्मीर, कुछ भी नहीं उधर, कुछ भी उधर बिजली नहीं सही तरीके से आती उधर। हमारे आजाद जो हम कहलाते हैं आजाद कश्मीर, उसमें बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। उधर बहुत ही तंगी, पानी का मसला उधर, वो भी नहीं घरों में आता, वो भी लोग दूर दूर से लेके आते हैं। क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के साथ है वो खुश है? खुश तो ओवरऑल देखा जाए आजाद नहीं है, वैसे उधर सहूलत हर एक चीज। आजाद नहीं होते तो इतनी डेवलप वहाँ पे कैसे होती? वो तो फिर जहाँ वो इंडिया वाले जाने उनका क्या इरादा है, लेकिन वो वहाँ के जो उनसे कश्मीरी है ना वो आजाद नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है। जो हमारे पास हमारे जो कश्मीर है यहाँ पे डेवलप, आप देखें जुल्म, आप जुल्म की बात करें डेवलपमेंट है, इससे बड़ी जुल्म क्या हो सकती है? फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास, बिजली नहीं है आपके पास, प्रॉपर पानी नहीं आ रहा, इससे बड़ी जुल्म क्या हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया है। कश्मीर के लोगों की 18 सालों तक सेवा करने के बाद उत्तर रेलवे ने स्थानीय लोगों और टूरिस्टों के लिए पहले से ही संचालित रेल नेटवर्क में एक नई और आकर्षक सुविधा जोड़ी है। कश्मीर में हर मौसम के लिए सूटेबल ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन विस्टाडोम कोच को शुरू किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और टूरिस्टों को बनिहाल से बारामूला तक 135 किलोमीटर लंबे ट्रैक के साथ घाटी के सुंदर परिदृश्य का मनमोहक दृश्य दिखाई देगा। दोस्तों 40 सीटों वाले विस्टाडोम ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और सभी के लिए उपलब्ध होगी। ट्रेन टिकटों की दर 940 रुपये तय की गई है और ये दिन में 2 बार चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी जनाब, ये थी विस्टाडोम, विस्टाडोम ट्रेन का नाम है, विस्टाडोम, हाँ विस्टाडोम ट्रेन का नाम है, जो जिसकी मैं निशानी मेरे जहन में ये बैठ गई है कि शीशे ज्यादा हैं
और बाहर के नजारे खुले दिखते हैं। ओ, क्या दिखने में, मतलब ये वैसे विस्टा डॉम है लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पेशल कश्मीर वाली ट्रेन के अंदर ये एक प्रॉपर एक डब्बा लगा दिया गया है विस्टा डॉम का, बिल्कुल ऐसे ही। और टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट इसमें बैठेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम चेयर लिफ्ट पे बैठते हैं, चेयर लिफ्ट पे बैठ के जब चेयर लिफ्ट चलती है वो जो रोप के जरिए से, तो हम आसपास के नज़ारे देखते हैं। इस ट्रेन के अंदर बैठ के आप कश्मीर के नज़ारे देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, सीनरी से लुत्फानंदोज हो रहे हो, तो इतना सोचो विचार की जाती है कि यार कश्मीर में हम सफ़र तो कर रहे हैं, हम नज़ारे ही नहीं देख सकते। तो इंडियन कश्मीर श्रीनगर से आगे पूरे कश्मीर में ट्रेनें चल रही हैं हमारे यहाँ पे। मैंने सुना है शायद एबटाबाद तक शायद ट्रेन है, या एक इलाका है, एक स्टेशन है हवेलियाँ, उसके आगे ट्रेन ही नहीं है। ये किसी अंग्रेज ने बना दी होगी पटरी, वो एंड। हमारे भी तो वैसे अंग्रेजों के दौर की पटरियाँ बिछी हुई है ना, वही है, वही पटरी। चलो वो कुछ तो काम करे। और इंडिया में 95% रेलवे इलेक्ट्रिक पे चलता है, बिजली से चलता है। हमारे यहाँ वही पटरियाँ, वही निज़ाम, वही ट्रेन है। अंग्रेज अगर ये हमारे यहाँ नहीं करता तो शायद आज हमारे मुल्क में हम ये भी नहीं कर पाते। तो आपको कैसी लगी, आप लोग अपना बताएं विस्टा डॉम का। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे सीट्स इतनी अच्छी लगी हैं, इतनी कंफर्टेबल, और वो जो मूव करी थी वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ना, वो बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि मतलब कितना अच्छी उन लोगों ने ये फैसिलिटी दी है कि एक अलग से डब्बा दे दिया है और आराम से, जैसे हमारे इधर नोद्रा एरियाज हैं, अगर हमारे पास भी इस तरह हो तो हम भी मतलब लोग जाए एंजॉय करें, उससे बिजनेस बढ़ेगा मुल्क का, बहुत अच्छा, लोग आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे तो ये क्या होगा, मैं सोच ही पे हंसी आ रही है मुझे, मैंने एक बंदे का देखा तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान के पास तो एटम बॉम ही नहीं है। नहीं, अच्छा था जैसे कि इतने बड़े बड़े शीशे थे कि बंदा बाहर का नज़ारा कर सकता है। हम अक्सर पाकिस्तानी जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमारी आदत होती है हम वीडियोस बनाते हैं, रश हो जाता है तो तंगी की वजह से काफ़ी खुली जगह भी थी, अच्छा था। और ऐसे जैसे हम बैठ बैठ के थक जाते हैं तो उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम किया, बहुत अच्छा, नीचे टैंक लगाने की, नीचे उन्होंने स्विच भी जैसे पकाए थे हम घर में लगाते हैं, ट्रेन में वो भी लगा, ट्रेन में तो हमारे भी कमर का है। अच्छा था, बहुत खूबसूरत लगा, उसकी सीटिंग बहुत प्यारी, कलर सीटिंग के कलर कितने प्यारे हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, कंफर्टेबल, लंबा सफर। और वो देखे ना कि वो उन्होंने उसकी विंडोज पे उन्होंने वो भी लगाया हुआ है कि हम अगर सोना चाहें, स्क्रून करना चाहें तो हम उसको नीचे कर सकते हैं। तो बाकी ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बाकी हैरान है कि यार कश्मीर में इतनी डेवलप हो गई है। और दूसरा बंदा बता रहा था ना कि कश्मीर में सही तरह से बिजली भी नहीं है हमारे वाले कश्मीर में, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, हालात वहाँ के मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा सुने वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा इस तरह की ट्रेनें चल रही हैं। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो 100% तरक्की होगी, 100% उनके लोगों के हालात बेहतर होंगे। और हमारा मीडिया बताता है कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, वो कह रहा है ना कि ट्रेन देखने के बाद भी वो कह रहा है नहीं, वो मसले में हैं, वो परेशान है, वो आज़ाद नहीं है। यार सहूलतें हैं, आज़ादी क्या मतलब, मतलब आज़ादी का क्या मतलब, वो सहूलतें हैं अपने बच्चों की, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं, तो और क्या चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या आज़ादी का क्या मतलब होता है कि आपका कंट्री अच्छे से चल रहा हो ना, आपकी इनकम अच्छी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे हो, अच्छा अस्पताल हो, अच्छा माहौल हो, यही आज़ादी है, और कौन सी आज़ादी चाह रहे थे। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, फॉरेनर्स भी हैरान थे, बिल्कुल ऐसे नोट किया होगा, जितने भी फॉरेन कंट्री के लोग थे वो भी हैरान थे कि यार वाकई एक जदीद तरीन चीज़ थी, बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।